गोपालगंज क्रिकेट की दुनिया में अब नाम करते जा रहा है। ऐसे में गोपालगंज का एक और युवा लड़का जिसका नाम शाकिब है, उसका सिलेक्शन आरसीबी टीम में हुआ है और एमआरएफ की तरफ से इंडिया के लिए भी वो खेलेगा। यानी अभी वो यहाँ पर एक निजी विद्यालय है, नैनीताल स्कूल, वहाँ पहुँचा हुआ है और वहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ बचपन को अपने याद दिला रहा है और खेल रहा है। देखिए किस तरह से उन बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं और जो है क्रिकेट खेले और बच्चों को सिखाए, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी हमारे तरह बने और मेहनत करेंगे तो सफल आप ज़रूर होंगे। ऐसे में शाकिब यहाँ पहुँचे और उनका काफ़ी भव्य रूप से स्वागत किया गया, उनका माला पहनाया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई और जो यहाँ के शिक्षक हैं वो उनसे मिले जुले और लोग जो है सेल्फी लेने के लिए लगातार उनसे परेशान रहे कि शाकिब के साथ एक सेल्फी हो जाए। ऐसे में वो यहाँ स्कूल पर पहुँचे हुए हैं और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से बच्चों के साथ जो शाकिब है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और बच्चों को क्रिकेट खिलाने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब शाकिब से भी बात करेंगे कि किस तरह से वो जो यहाँ पर पहुँचे और क्या क्या जो है शुरुआती दौर रहा, कैसे परिवार जो है किस तरह का है। शाकिब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या दौर रहा जब आप शुरुआती दौर में कोशिश किए और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं? मेरा नाम शाकिब हुसैन और हम दरगाह शरीफ के रहने वाले हैं। जैसे पहले होता था कि मतलब अपना आप गली के लिए खेलते थे, तो उसके बाद अपने फिटनेस के लिए शुरू किए, स्टेडियम आना शुरू किए, तो हमको टूना भी हो गए हैं, कुमार भी हो गए हैं, साकेत भी है, रॉबिन सर हो गए मेरे कोच हैं और नरोत्तम सर हो गए वो भी मेरे कोच हैं और जावेद राम सिद्दीकी, मतलब ये सारे लोग हमको सपोर्ट किए आने के लिए। मैं तो मतलब हमारे पास पैसा भी नहीं था जूता खरीदने के लिए, तो वो लोग मतलब हर चीज़ हमको करते थे देने के लिए, हर चीज़ आना जाना हर चीज़ मतलब वही करते थे। उन लोग सपोर्ट से है, अभी वो सपोर्ट करेंगे आप लोग दोबारा। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है हमारे पेस फाउंडेशन जो चेन्नई का, उसमें चेन्नई का चेन्नई में है और बेंगलोर टीम में नेट बॉलर हुआ है, आरसीबी बेंगलोर। गोपालगंज के लिए यही बोले हैं कि बस कि गोपालगंज का नाम ऊपर करना है और जितना युवा बच्चे हो गए हैं, बचिया हो गए, मतलब अपना जैसे है कि अच्छा आप लोग कीजिए, आप भी नाम ऊपर कीजिए बस। मुकेश से कुछ सीखे हैं? मुकेश भी क्रिकेटर है। मुकेश भैया तो बहुत अच्छे आदमी है, उनसे हम मिल चुके हैं, कितना बार मिल चुके हैं, मतलब होता है ना कि वो डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। जैसे मतलब उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं हम, वो क्या कैसे क्या हो तो हर चीज़ बताते हैं हमको, बहुत अच्छा आदमी है।